उज्जैन बड़नगर नगर पालिका में एक चलित शौचालय भोपाल से मंगवाया गया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा है और भोपाल से बड़नगर पहुंचने का किराया 15 प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया गया है। यह चलित शौचालय भोपाल से क्यों मंगाया गया है और क्या वजह रही, यह तो हम नहीं जानते, पर विधायक मुरली मोरवाल ने जब इस बारे में अधिकारियों को फोन लगाया तो अधिकारियों ने कहा कि यह 5 लाख रुपए से ज्यादा का है और भोपाल से मंगवाया गया है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी नगर पालिका निगम को कि उक्त चलित शौचालय को भोपाल से मंगवाना पड़ा, साथ ही इसका किराया 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भी भुगतान किया गया, जबकि शहर के अंदर कई फैक्ट्रियां हैं जो कृषि उपकरण और अन्य उपकरण बेहतर तरीके से बनाती है और बड़नगर के उपकरण मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर और अलग अलग राज्यों में जाते हैं। इन फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि हम काम कीमत में अंदर और बेहतर तरीके से क्वालिटी का शौचालय निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं, पर यह अधिकारियों ने भोपाल से क्यों मंगाया और वही भी 3 गुना ज्यादा भुगतान कर, यह समझ से परे है। वहीं शहर में भी चर्चा चल रही है कि जब बड़नगर शहर के कृषि उपकरण और लोहे के उपकरण अलग अलग शहरों में जाते हैं और बेहतर व्यापारी हैं, तो यह नगर पालिका निगम के अधिकारी क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं और क्यों 3 गुना पैसा खर्च करके इस चलित शौचालय को भोपाल से मंगाया गया। वैसे बड़नगर तहसील के कृषि उपकरण और जो अन्य उपकरण है, जहाँ तक देखने में आता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु अन्य स्टेटों में भी जाता है, तो किस प्रकार से गुणवत्ता क्वालिटी और काम को लेकर मैनेज करते हैं और आप कब से काम कर रहे हैं और करीब कितने कारखाने जो हैं यहाँ पर होंगे? बड़नगर में करीब करीब 7-8 कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं जो काफ़ी अच्छा काम करती है। यहाँ से माल काफ़ी दूर दूर तक जाता है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर हेवी है, क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं, अच्छे बेयरिंग लगाते हैं, अच्छे बेल्ट लगाते हैं। हमारा माल यहाँ से काफ़ी कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह और हमारे इधर के क्वालिटी के नाम से बिकता है। भाई साहब, बात करें सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, नेताओं के द्वारा और ये भाषण में कहा जाता है कि लोकल लोगों को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, लोकल व्यापारी और लोकल को ही बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर आपको कोई ऑर्डर करता है या कोई चीज़ कृषि उपकरण या अन्य वैरायटी, तो आप बेहतर क्वालिटी से बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं? बना सकते हैं। हमारा बड़नगर एरिया क्वालिटी के नाम पे जाना जाता है, जहाँ भी हमारा माल जाता है वहाँ यही बोलते हैं कि भाई बड़नगर का माल है तो बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा। अच्छा, तमाम वैरायटी हो गई कृषि, हर चीज़ आप कंप्लीट कर देते हैं? सभी मिलता है। अच्छा, यूनिट है हमारे पास, सारे मशीनरीज है। अच्छा, सब काम हो सकता है। अच्छा, अभी बड़नगर नगर पालिका ने एक चलित शौचालय स्वच्छता के लिए बनवाया है, 5.5 लाख रुपए का है ये और भोपाल से मंगवाया, तो क्या ये शौचालय आप लोग कंप्लीट नहीं कर सकते क्या इस टाइप से? अगर हमको ड्राइंग डिजाइन देते दे तो हम यहाँ भी बना सकते थे। बना सकते हैं? बना सकते हैं। अच्छा, और अच्छी क्वालिटी का बन सकता है, रीजनेबल रेट में बन सकता है। अच्छा, अब वहाँ से 5.5 लाख रुपये लगा और इसके बाद 15,000 रुपये भाड़ा लगा, भाई यही पैसा अगर अपने लोकल में जाता और अपने व्यापारी के पास जाता है या शहर में जाता तो कैसा रहता है? बिल्कुल होता, सही होता, अगर टेंडर निकलता तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। हम आपका कुंजीलाल मेवाड़ा। मेवाड़ा जी, कहाँ रहते हैं आप? भोपाल है। भोपाल? भोपाल। ये शौचालय कहाँ से लेकर आ रहे हैं? भोपाल से। भोपाल से कहाँ जा रहा है ये? बड़नगर। बड़नगर जी। अच्छा, क्या यहाँ मंगाया था नगर पालिका निगम? जी जी। कब निकले थे भोपाल से? रात को निकले थे। इसका भाड़ा कितना बनता है छोड़ने का? भाड़ा कितने किलोमीटर से? ये 15 रुपये। 15 रुपये किलोमीटर से? ये तो करीब 250 किलोमीटर ज़्यादा बन रहा है, कितना बन जाएगा? 250। तो कितना बन जाएगा करीब करीब अनुमानित? 15 रुपये किलोमीटर आने जाने का। हाँ, कितना बन जाएगा करीब करीब? 9,000। 9-10,000 रुपये करीब बन जाएगा जी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।